प्रिय विद्यार्थियों, अर्जुन क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं डॉक्टर श्रवण कुमार डौकिया, एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट, आपके साथ हूं और आज अपन चर्चा करेंगे जो आपकी क्वेश्चन पेपर है उसके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, महिला एवं बाल अपराध। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा ही, जो इस वर्ष नया जोड़ा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, आप चूँकि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और एक कांस्टेबल को मैं मान के चल रहा हूँ और मुझे मेरी पूरी शुभकामना है कि आप सब लोग सफल होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। आप कांस्टेबल बनेंगी तो आपको ये पता होना चाहिए महिलाओं और बालकों के लिए कुछ विशेष अधिकार हैं। जब आप ड्यूटी पे होंगे तो आपको उनका पता होना ही चाहिए, इसलिए सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं परीक्षा से पहले आप लोग इसकी तैयारी करके आएँ। जो बेसिक हैं, आधारभूत जो कानून है वो आपको पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि बाल और महिला अधिकार के संबंध में किस किस तरह के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएंगे और उसका आप आंसर कैसे करेंगे। तो मैं शुरू करता हूं आज अर्जुन क्लासेज ऑनलाइन मेगा टेस्ट 5 का सभाग। सभाग में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आज अपन चर्चा करेंगे और उसका पहला प्रश्न है जो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे वो है, महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए महिला आयोग का गठन किया गया है। साथियों, आपने सुना महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए महिला आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन होंगे आपके साथ 4। पहला ऑप्शन है केंद्र स्तर पर, दूसरा है राज्य स्तर पर, तीसरा है जिला स्तर पर और चौथा ऑप्शन है केंद्र व राज्य स्तर पर। साथियों, आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे, महिला आयोग का गठन केंद्र स्तर पर भी होता है और राज्य स्तर पर भी होता है। यदि दोनों स्तर पर होता है तो सही आंसर होगा डी, केंद्र व राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर केंद्रीय महिला आयोग है, राज्य स्तर पर राजस्थान में राजस्थान महिला आयोग है। केंद्रीय स्तर पर महिला आयोग की वर्तमान जो अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है। रेखा शर्मा की नियुक्ति 30 नवंबर 2018 से की गई है। पहले ये महिला आयोग की सदस्य थी, अब उनकी अध्यक्ष हैं। साथियों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि केंद्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी वो जयंती पटनायक थी और वर्तमान में अध्यक्ष है वो रेखा शर्मा है। दूसरी बात, राज्य स्तर पर महिला आयोग, राजस्थान में भी महिला आयोग है, बना हुआ है। उसकी अध्यक्ष जो भी 2018 में थी सुमन शर्मा थी और वर्तमान में जब ये नई सरकार बनी है उसके बाद उनका कार्यकाल पूरा हो गया और नई महिला आयोग की अध्यक्ष अभी तक बनाई नहीं गई है। जब भी बनाई जाएगी आपको सूचना दे दी जाएगी। तो आपने सुना महिला आयोग का गठन केंद्र और राज्य स्तर पर दोनों जगह होता है। दूसरा क्वेश्चन है, महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रचलित नियमों का वर्णन है। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन से नियम हैं? उसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। पहला है विशाखा गाइडलाइन, दूसरा है शारदा एक्ट, तीसरा है पॉक्सो एक्ट और चौथा है घरेलू हिंसा अधिनियम। साथियों, इसमें सही उत्तर है विशाखा गाइडलाइन। मैं आपको बता देता हूँ, विशाखा नामक एक NGO था जिसने इसकी आवाज़ उठाई और 1997 में एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर के विशाखा NGO ने राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया और सर्वोच्च न्यायालय तक ये बात गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि क्योंकि इस तरह की गाइडलाइन बना दी जाए जिसमें महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान की जाए, तो वो विशाखा गाइडलाइन के नाम से ही जानी जाती है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव किया जाता है तो उस गाइडलाइन में लिखा हुआ है, उसके अनुसार उन पर कार्रवाई होगी। शारदा एक्ट जो दूसरा ऑप्शन है आप सब जानते हो, दहेज प्रथा से संबंधित है। तीसरा पॉक्सो एक्ट जो अभी बनाया गया है, जो बालकों के साथ किसी भी तरह का शोषण किया जाता है उसके विरुद्ध अधिनियम है, उसमें सजा है। और घरेलू हिंसा अधिनियम जिसमें महिलाओं के साथ घरेलू कोई हिंसा होती है तो उसके संबंधित नियम है। तीसरा प्रश्न है, बाल अधिकारों के लिए प्रसिद्ध संगठन है। साथियों, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रसिद्ध संगठन है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। पहला है TRAI ट्राई, दूसरा है CRY क्राई, तीसरा है RERA रेरा और चौथा है CAPAXIL कैपाक्सिल। साथियों, इसमें सही उत्तर है बी, CRY क्राई। क्राई का फुल फॉर्म है चाइल्ड राइट्स एंड यू। साथियों, ट्राई टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो बाल अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। रेरा रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट है जिसका बाल अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। और कैपाक्सिल है वो केमिकल एक्सपोर्ट के संबंधित एक अधिनियम बना हुआ है जिसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप याद रखना क्राई, वैसे आप याद रख सकते हैं क्योंकि बच्चा छोटा चिल्लाता है तो अपन बोलते हैं उसको क्राई,
तो क्रई आपको याद रह जाएगा, बाल अधिकारों के लिए प्रसिद्ध संगठन है क्रई, जो भी एक एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना करने वाले का नाम है रिपिन कपूर। रिपिन कपूर नामक एक व्यक्ति थे जो बाल अधिकारों के लिए काम करते थे, और उन्होंने एक एनजीओ बनाया जिसको सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया, और अब उसको क्रई को एक गाइडलाइन बना दिया जिसके तहत बाल अधिकारों की रक्षा की जाती है। इसकी स्थापना भी मैं आपको बता दूं 1979 में हुई थी, 1979। तीसरा प्रश्न है साथियों आपके सामने, बाल श्रम के विरुद्ध सबसे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बाल श्रम के विरुद्ध संघर्ष करने वाला, बाल अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाला सबसे प्रसिद्ध कार्यकर्ता, सबसे प्रसिद्ध मैं इसलिए कहता हूं कि वो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है ना। उसमें आपके सामने चार ऑप्शन है, मैं सोच रहा हूं आप शायद पहचान जाएंगे। पहला है बंकर रॉय, दूसरा है अन्ना हजारे, तीसरा कैलाश सत्यार्थी, चौथा है स्वामी रामदेव। साथियों जैसा कि मुझे पता है आपने अनुमान लगा लिया होगा, सी आंसर सही है, कैलाश सत्यार्थी। बंकर रॉय मैं आपको बता दूं ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 1986 में, इसलिए ये भी प्रसिद्ध व्यक्ति है। परंतु बाल श्रम के लिए विशेष उन्होंने काम नहीं किया, सामाजिक कार्यकर्ता थे। अन्ना हजारे लोकपाल आंदोलन की, बहुत बड़ा आंदोलन चला आज से 5 साल पहले 6 साल पहले, दिल्ली में बहुत बड़ा धरना हुआ, सारी दुनिया भाग गई थी, अपन जानते हैं, महाराष्ट्र के निवासी है ये और लोकपाल के लिए कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। तीसरा कैलाश सत्यार्थी जो सही उत्तर है, चौथा स्वामी रामदेव, आप सब जानते हो योग गुरु कहा जाता है इनको। साथियों कैलाश सत्यार्थी जैसा कि आपने नाम सुना भी होगा, और ये विश्व प्रसिद्ध क्यों है, इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था 2014 के अंदर। नोबेल शांति पुरस्कार विश्व का शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है जो इनको दिया गया था। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था 1980 से, और इन्होंने कम से कम 114 देशों में 83,000 बच्चों को शोषण से बचाया था, ऐसा इनका रिकॉर्ड है। उसके रिकॉर्ड को देखते हुए इनको जाना जाता है बाल श्रम के विरुद्ध सबसे प्रसिद्ध कार्यकर्ता, जो आवाज़ उठाते हैं बच्चों को संरक्षण के लिए बाल श्रम के विरुद्ध, जहाँ जहाँ बालकों से फैक्ट्रियों में कई जगह ऐसी ऐसी जगह काम कराया जाता है, ये वहाँ गए, उनसे लड़ाई लड़ी उन्होंने, इन्होंने वहाँ जोखिम ली और उन बच्चों को वहाँ से छुड़ाया और उनके लिए काम किया, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। साथियों संविधान के किस भाग में संशोधन किया गया आपको ये बताना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है मूल कर्तव्यों में, दूसरा है नीति निर्देशक तत्वों में, तीसरा है मूल अधिकारों में, और चौथा है प्रस्तावना में। साथियों मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है सी, मूल अधिकारों। आपको पता होगा मूल अधिकार कितने हैं साथियों, जब संविधान बना था तब मूल अधिकार 7 थे, 7 आपके फंडामेंटल राइट्स थे, मूल अधिकार थे, उसमें से एक मूल अधिकार हटा दिया गया, अभी 6 मूल अधिकार है। हटाया कौन सा, संपत्ति का अधिकार था, वो मूल अधिकारों में से हटा दिया गया, अब वो संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, अब 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं। तो मूल अधिकारों में एक संशोधन करके ये जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो याद रहेगा आपको मूल अधिकार जो संविधान में है उन्हीं में संशोधन करके जोड़ा गया है। अगला प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा वो है, बालकों को यानी वही 6 से 14 वर्ष के बालक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला संविधान संशोधन कौन सा था, किस संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। आपके सामने चार ऑप्शन होंगे, ए 80वां, बी 82वां, सी 84वां और डी है 86वां यानी 86। साथियों सही उत्तर होगा 86वां यानी 86वां संविधान संशोधन प्रस्ताव, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देनी अनिवार्य है, ये जोड़ा गया। अब पूरे देश में सभी राज्यों में ये अनिवार्य कर दिया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना उनका मूल अधिकार हो गया, उनको शिक्षा से किसी भी रूप में रोका नहीं जाएगा, यदि वो फीस दे रहे हैं तो ठीक, फीस दे रहे हैं तो नहीं ठीक। और सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर इन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना जरूरी कर दिया गया है। तो आपको लोगों को पता होना चाहिए 6 से 14 साल के बच्चों की यदि शिक्षा की कोई समस्या है तो कोई समस्या रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको फ्री में पढ़ाना जरूरी है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बालकों को कारखानों में काम करने से रोकता है। छोटे बच्चों को आपने सुना होगा अखबारों में खूब खबरें आती है, कुछ लोग मजबूरी वंश, कुछ लोग शौक वंश बच्चों को काम पे लगा देते हैं कारखानों में, जहाँ खतरनाक मशीनें लगी हुई होती है,
जहाँ बच्चों को बहुत ही खतरनाक रूप से केमिकल यूज किए जाते हैं, जब बच्चा के स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ पे बच्चों को नहीं भेजा जाएगा, इसका संविधान में व्यवस्था कर दी गई है। तो आपके सामने चार ऑप्शन होंगे। पहला है अनुच्छेद 14 में प्रावधान है क्या, अनुच्छेद 21 में प्रावधान है, अनुच्छेद 24 में प्रावधान है, या इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अंदर ऐसा प्रावधान किया गया है कि बच्चों को कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता, बच्चों को काम कारखानों में काम करवाने से निषेध कर दिया गया है। यदि बच्चों को कोई व्यक्ति कारखाने में काम करता हुआ पाया जाता है 6 से 14 साल की उम्र की, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी और उनको कारावास की सजा भी हो सकती है। विद्यार्थियों, जो अगला क्वेश्चन है वो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। पहले तो आपको यही याद रखना है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है, यानी 2006 में बनाया गया, 2006 में बनाया गया। ये भी प्रश्न आपके आ सकता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बनाया गया, तो 2006 में बनाया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी तारीख से वो प्रभावी हुआ, तो ए ऑप्शन है आपके सामने 1 नवंबर 2007 से, बी है 14 नवंबर 2007 से, सी है 1 नवंबर 2006 से और डी है 14 नवंबर 2006 से। देखो साथियों, परीक्षक जब प्रश्न बनाता है तो इस तरह का प्रश्न बनाता है कि आप अनुमान नहीं लगाओगे, आपको कन्फर्म याद होना ही चाहिए। इसमें एक एक तारीख और 14 14 तारीख दो बार ली गई है और सन भी 2007 और 2006 दो बार लिया गया है, आपको कन्फर्म याद होगा तभी होगा। इसका सही आंसर है ए, 1 नवंबर 2007 से बाल विवाह को निषेध कर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है शादी की उम्र क्या है, लड़के के लिए 21 साल और लड़की के लिए 18 साल, मुझे पता है आप सब लोगों को पता है, ये तो आप ध्यान रखते हैं। तो इनसे कम यदि बाल विवाह कहीं पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आप सूचना देते हैं या कोई भी आपको सूचना देते हैं, आप पुलिस में होंगे, आप वर्दी में होंगे, आपको कोई सूचना देता है ग्रामीण आकर के सब ऐसा हो रहा है, तो आपका कर्तव्य बनेगा आप उनको जाके रोकें, है ना। तो ये अधिनियम कब लागू हुआ, 1 नवंबर 2007 से। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आरटीई अधिनियम लागू हुआ। आप लोगों को पता होगा, वैसे तो मैं बता देता हूँ, आरटीई राइट टू एजुकेशन, वही 6 से 14 साल के बच्चों का शिक्षा का अधिकार है, वो मूल अधिकारों में शामिल कर लिया गया है, अब उनको शिक्षा देना अनिवार्य है, तो राइट टू एजुकेशन अधिनियम है। अब प्रश्न ये है कि ये कब लागू हुआ, आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है 11 दिसंबर 2002 से, दूसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 2001 से, तीसरा है 11 दिसंबर 2001 से और डी है 13 दिसंबर 2002 से। तो मैं आपको बता दूं इसमें सही आंसर है वो है डी, 13 दिसंबर 2002 से आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2002 में लागू हुआ और 13 दिसंबर तारीख है वहाँ लागू हुआ। विद्यार्थियों, जो अगला प्रश्न है वो है पीड़ित महिला का नाम व पहचान उजागर करने पर दंड का प्रावधान है। प्रश्न से स्पष्ट है पीड़ित महिला, किसी महिला के साथ कोई भी अन्याय हुआ हो, अत्याचार हुआ हो, आप पुलिस में होंगे, आप कार्रवाई करने जाएंगे, आपसे कोई भी पूछे कि महिला कौन है, लोग आ जाते हैं, भीड़ हो जाती है, पूछते हैं महिला कौन है, आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, आप महिला का नाम नहीं बताएंगे, आपको महिला का नाम पता होने के बावजूद नहीं बताएंगे। ऐसा अधिनियम में प्रावधान कर दिया गया है कि महिला का नाम उजागर नहीं किया जाएगा, क्योंकि महिला की आगे जीवन पड़ा है और उसको देखते हुए ऐसा माना जाता है कि महिला का नाम उजागर नहीं किया जाएगा। प्रश्न ये है कि ये दंड का प्रावधान किस धारा के अंदर है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला है आईपीसी धारा 228, दूसरा आईपीसी धारा 228A, तीसरा है सीआरपीसी धारा 154 और डी है सीआरपीसी धारा 156(3). जैसा कि आपको पता है आईपीसी इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, उसकी धारा 228 और 228A, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें धारा 154 और 156(3). सीआरपीसी धारा 154 और 156(3) में एफआईआर दर्ज होती है और आईपीसी 228 में महिलाओं के संबंधित प्रावधान किए गए हैं, उसमें 228A जोड़ा गया है जिसमें यह है कि महिलाओं, जो पीड़ित महिला है जिसके साथ अन्याय हुआ है या अत्याचार हुआ है किसी भी तरह का, उनका नाम उजागर नहीं किया जाएगा, वो है भारतीय दंड संहिता की धारा 228(1), उसके तहत ऐसा प्रावधान किया गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी जांचकर्ता या कोई भी सरकारी अधिकारी जिसको पता है वो महिला का नाम उजागर नहीं करेगा और ये आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। साथियों, आज जो मेगा टेस्ट 5 का भाग सी था उसके अंदर 10 प्रश्नों पे अपने आज विचार किया, जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है आपको ये सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे चाहता हूँ कि जो अर्जुन क्लासेज ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है
इस पर आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी, बहुत से सब्जेक्ट एक्सपर्ट आएंगे, बहुत सी सीनियर से लोग आएंगे। आप इसको सब्सक्राइब कर लें, है ना, उसको लाइक ज़रूर करें ताकि जब भी इस तरह से वीडियो हम डालेंगे आपके मोबाइल पे वो वीडियो आपके आ जाएंगे और आप उसको देख पाएंगे। धन्यवाद।